तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक एक्सेल की जो वाइड शीट है हमारी रिजल्ट शीट, इसको कैसे हम थोड़ा सा स्क्यूज कर सकते हैं, स्क्वीज मतलब थोड़ा सा कम हिस्से में किस तरह से इसको बना सकते हैं और इसको बेहतर तरीके से कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी हम कुछ कमांड्स को कवर करेंगे अपनी, वो होगा रोज एंड कॉलम कैसे इंसर्ट कराते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, रो और कॉलम की हाइट कलेक्टिवली कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं और ओरिएंटेशन कैसे चेंज करते हैं। तो ये चीज़ करने के लिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और कल जैसे मैंने आपको बताया था क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं, जिससे डेटा हमारा यहाँ पे मौजूद रहेगा और फॉर्मेट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब उसके लिए हमने सपोज टू भी क्या करना है कि पहले यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ तक हमने रखना है और उसको करना है मार्जिन सेंटर, सेल स्टाइल्स में जाके इसको कर देना है टाइटल और यहाँ पे क्लिक करके बोल्ड कर देना है, साइज को बढ़ा देना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर देना है, वंस अगेन इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इस कॉलम तक मर्ज एंड सेंटर कर देना है, सेल साइज में बढ़ा के इसको अगर एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में रख के फॉन्ट साइज को इम्प्रूव करते हैं तो ऐसा हो जाएगा, और सेलेक्ट करके तीसरे वाले को भी मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेल स्टाइल्स में जाके इसको हेडिंग 4 में कन्वर्ट कर देते हैं और थोड़ा फॉन्ट साइज इंप्रूव करके टॉप बॉटम सेंटर कर देते हैं। ये तो हमने इसके हेडिंग की बात कर ली। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम क्लिक करते हैं, सेल स्टाइल्स में जाके हेडिंग 1 में कन्वर्ट करते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर करते हैं और यहाँ से जाके इसको रैप टेक्स्ट करते हैं। तो रैप टेक्स्ट से क्या होगा, जो कॉलम इस तरह के वो ऊपर नीचे ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट किया यहाँ पर और यहाँ पर ले जाके इसको हमने इस तरह से सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर रखकर फॉन्ट साइज को हमने यहाँ से इम्प्रूव कर दिया। जैसे ही फॉन्ट साइज बढ़ाया तो इसको हमने यहाँ से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर दिया, सेलेक्ट करके इसको यहाँ से टेक्स्ट को भी लेफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर सेलेक्ट करके हमने एक काम करना है इसको इस तरीके से, मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हमारे कुछ कॉलम्स हैं जिनकी विड्थ को हम कम ज़्यादा करना चाहते हैं कलेक्टिवली, जैसे एक एक कॉलम को हम कम ज़्यादा करना पड़ता है, इसको कम इसको ज़्यादा इस तरीके से करना पड़ता है, तो अगर एक एक कॉलम को कम ज़्यादा करना पड़ रहा है और आप ये चाह रहे हैं कि इसको मैं कलेक्टिवली सारे कॉलम्स या रोज की हाइट को एक साथ मैनेज कर लूँ, तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि जितने कॉलम्स को आप एक साथ उनकी विड्थ को मैनेज करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट कर ले। लेट सपोज मैंने ये सब्जेक्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, तीनों कॉलम को सेलेक्ट किया यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर फॉर्मेट के सेल में चला गया। याद रखें फॉर्मेट का जो कमांड का टैब है वो सेल्स के पैनल में और सेल्स का पैनल किसमें, होम के पैनल में। यहाँ पे क्लिक करके हम कॉलम विड्थ में आए और कॉलम विड्थ में आने के बाद यहाँ पर हमने एक वैल्यू पुट कर दी, लेट सपोज 4, और जैसे ही 4 इसकी विड्थ को सेट किया तो ये सारे कॉलम्स जो थे वो स्क्यूज हो गए और 4 की विड्थ पर आ गए। वंस अगेन सेलेक्ट करके अगर आप इसकी फॉर्मेट में जाके कॉलम की विड्थ को बढ़ा के आपने कर दिया सपोज टू बी 10 और ओके कर दिया तो ये इस तरह से आ गए। लेकिन मैं साथ साथ इसकी ओरिएंटेशन को भी चेंज करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास कॉलम की विड्थ ज़्यादा है जबकि इसमें डेटा 2 डिजिट का है, लेकिन मैं इसको एडजस्ट कैसे करूँ, टेक्स्ट तो ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाके मैं इसकी ओरिएंटेशन को ऊपर और इसकी ओरिएंटेशन को नीचे की तरफ सेट कर सकता हूँ। तो मैं इसकी ओरिएंटेशन को अप कर देता हूँ, जब अप करेंगे तो डेटा ऊपर की तरफ चला जाएगा और यहाँ से रो की हाइट को मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ, तो इस तरह से, और दोबारा सीधा करना हो तो यहाँ से चेक हटा देंगे दोबारा से ये सीधा हो जाएगा। तो यहाँ से क्लिक करके ओरिएंटेशन अप कर दी, ये डेटा इस तरह से आ रहा है और सारे कॉलम्स को यहाँ से जाके विड्थ को सेट किया मैंने और इसको 4 पे सेट कर दिया और ओके कर दिया, तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गए। और अगर मुझे थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करना है तो यहाँ से क्लिक करके 5 पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये इस तरह से सेट हो जाएंगे। ये ट्रिक आपने वहाँ पर अप्लाई करनी है जिसमें कॉलम्स की ज़्यादा तादाद है और नीचे डेटा की जो एंट्री है वो कम होती है, और कॉलम की ज़्यादा तादाद होने की वजह से वो पेज से एक्सीड कर रहे हैं, ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, तो ये वाली ट्रिक आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करके मार्क्स ऑप्टेंट को हम कॉलम विड्थ में जाके जैसे कि उसका 5 सेट किया तो इसको 6 पे सेट कर देता हूँ और इसका भी ओरिएंटेशन जो है वर्टिकल की जगह टॉप कर देता हूँ और ये फिर इस तरह से नजर आएगा, और थोड़ी सी रो की हाइट को बढ़ा देता हूँ, फिर इसको टॉप बॉटम सेंटर कर लेते हैं, जैसे ये बॉटम कर दिया हमने यहाँ पे और क्लिक करके यहाँ से इसको भी हमने बॉटम कर दिया, इस तरह से डेटा नजर आएगा। और उसके बाद ये वाला डेटा हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये वाला डेटा हमारा सही तरह एडजस्ट हो रहा है। तो इस तरह से हमने मल्टीपल कॉलम्स की विड्थ को भी कम ज़्यादा करना सीखा और ओरिएंटेशन भी चेंज करना सीखी। यहाँ पर ओरिएंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है डेटा, हाँ अगर ओरिएंटेशन को यहाँ पर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये भी इसका ओरिएंटेशन को चेंज करके दिखाने का एक सोल्यूशन हो सकता है अगर आप चाहें इसे दिखाने के लिए। अच्छा लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर क्लिक करके हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाले सेल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं जितने एरियाज पे हमने काम किया है और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर्स एंड थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई करने लगे, लेकिन साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इन रोज की हाइट को थोड़ा सा मेंटेन कर दिया जाए, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, तो एक एक की हाइट को बढ़ाते हुए हमें थोड़ा दिक्कत होगी और हमें मेजरमेंट में भी प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या करते हैं कि इन सब की सेलेक्ट करके हाइट को
फॉर्मेट पे जाके रो हाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रो हाइट को एक्सटेंड कर देंगे। जैसे कितनी एक्सटेंड कर देते हैं, सपोज अभी ये बाई डिफॉल्ट होती है 15, तो मैं इसको 25 कर देता हूँ, रोके करूंगा तो ये देखें 25 तो ऑलरेडी थी बल्कि कम हो गया, तो मैं इसको बढ़ा के 35 कर देता हूँ, रोके कर देता हूँ, तो ये देखें इनकी हाइट थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई। और अगर इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके एक और बटन मिलता है मुझे ऑटो फिट रो हाइट का, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये उतनी हाइट मेंटेन कर लेगा जितना कि इसके अंदर टेक्स्ट मौजूद है, ये देखें उतनी हाइट मेंटेन कर लेगा। और मैं अपनी हद से चाह रहा हूँ तो रो हाइट में जाके 35 मैंने इसको वैल्यू पुट कर दी, 36 की ओके कर दिया, तो ये देखें इनकी हाइट मेंटेन हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए अब शीट मेरी पहले से काफी स्टैंडर्ड पे आ गई और मेरा डेटा भी इसके ऊपर अच्छे तरीके से मैनेज हो गया। अब आते हैं हम इसके ऊपर कि रोज एंड कॉलम को ऐड कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। तो ये देखिए इस बात को समझने के लिए आप ये दो बातें याद रखें, रो हमेशा ऐड होगी ऊपर की तरफ और कॉलम हमेशा ऐड होगा लेफ्ट हैंड पर, रो ऊपर कॉलम लेफ्ट हैंड पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे सेल पॉइंटर रखते हैं अपना और यहाँ पर एक रो ऐड करानी है तो रो इसके ऊपर ऐड होगी, यहाँ पे अगर अपना सेल पॉइंटर रखते हैं तो यहाँ पर अगर रो ऐड करानी है तो वो इसके ऊपर ऐड होगी। कैसे, ये गए इंसर्ट में शीट रो पे क्लिक किया, देखें यहाँ से भी एक रो ऐड हो गई, अंडू अगर सॉरी दोबारा देखें इंसर्ट शीट रो, यहाँ पर भी एक रो ऐड हो गई, इन दोनों के दरमियान में ऐड करानी है तो सेल पॉइंटर को यहाँ रखना है, इंसर्ट शीट रो यहाँ पर भी एक रो ऐड हो गई, और अगर पहली रो से पहले भी एक रो ऐड करानी है तो इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे यहाँ पर भी एक रो ऐड हो जाएगी। अब रो तो देखिए इस तरह से ऐड होती है, तो डिलीट करने के लिए भी कहीं भी क्लिक कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें, डिलीट में जाएं शीट रो पे क्लिक करें यहाँ से भी डिलीट हो गई, क्लिक करें यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर लें डिलीट में जाएं शीट रो पे क्लिक करें यहाँ से भी डिलीट हो गई, क्लिक करें कहीं भी डिलीट में जाएं शीट रो पे क्लिक करें डिलीट हो गई। अच्छा, अब एक साथ तीन चार रोज ऐड करानी है तो क्या करेंगे, जितनी रोज ऐड करानी है उतने सेल्स को सिलेक्ट कर लें और इंसर्ट में जाएं शीट रोज पे क्लिक कर दें, उतनी रोज ऐड हो जाएंगी। जितनी रोज को डिलीट करना है एक साथ उनको सिलेक्ट कर लें, डिलीट में जाएं शीट रोज पे क्लिक करें, उतनी रोज डिलीट हो जाएंगी। ये देखिए समझ में आ गई ये रो को किस तरह से डिलीट कर रहे हैं। अब इसी तरह से रो को डिलीट करने इंसर्ट करने का एक तरीका और भी है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे राइट बटन दबाते हैं इंसर्ट कर देते हैं तो यह देखिए ऐसे भी राइट एक ऐड हो जाती है रो, ठीक है, और यहीं पर राइट बटन दबाते हैं और डिलीट कर देते हैं तो यहाँ से डिलीट भी हो जाती है। अच्छा, एक और तरीका भी है, यहाँ पे राइट बटन दबाते हैं इंसर्ट करते हैं तो पूछता है क्या ऐड कराऊं, मैंने कहा रो, तो क्लिक करते हैं इंटायर रो पे तो रो ऐड हो जाती है, और यहाँ पे राइट बटन दबाते हैं डिलीट करते हैं और क्या कहते हैं डिलीट करना इंटायर रो, तो रो डिलीट हो जाती है। इस तरह से कॉलम को डिलीट करना है। अब भाई कॉलम ऐड कैसे होगा पहले तो ये देखें, अगर आपको जैसे कॉलम इन दोनों के बीच में रखना है तो हमेशा याद रखें लेफ्ट साइड पर ऐड होगा, तो अपना सेल पॉइंटर जहां रखोगे उसके लेफ्ट साइड पर कॉलम ऐड होगा, तो इंसर्ट में जाके जैसे शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो एक कॉलम ऐड हो गया। अब पहले कॉलम से भी पहले ऐड करना है तो इंसर्ट में जाके शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर भी एक कॉलम ऐड हो गया, ठीक है, और अगर इसके आगे ऐड करना है तो भी वही तरीका, इसके बीच में ऐड करना है तो इंसर्ट में जाके शीट कॉलम पे क्लिक करें यहाँ से भी ऐड हो गया। अब डिलीट करना है इस कॉलम को, देखो पूरा कॉलम है, कहीं भी क्लिक कर लो डिलीट में जाके शीट कॉलम पे क्लिक करोगे ये डिलीट हो गया, कहीं भी क्लिक कर लो डिलीट पे जाके शीट कॉलम पे क्लिक करोगे ये भी डिलीट हो गया, डिलीट पे जाके क्लिक करोगे शीट कॉलम पर और यहाँ पे भी डिलीट हो गया। अब गलती कहाँ करोगे, डिलीट करना ये वाला कॉलम और डिलीट में जाके तुम कर रहे हो रो, तो ये से रो डिलीट ऐसे होगी, ठीक है, अंडू कर ले अगर गलती हो जाए तो अंडू से रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, अब वहां पर क्या करना है कि अगर तीन चार कॉलम एक साथ ऐड करना है तो उतने कॉलम सेलेक्ट कर लो और इंसर्ट में जाके शीट कॉलम कर लो, उतने कॉलम ऐड हो जाएंगे। तीन चार कॉलम डिलीट करना है उतने कॉलम सेलेक्ट कर लो और डिलीट में जाके शीट में जाके कॉलम कर दो, उतने कॉलम डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे राइट बटन दबा के इंसर्ट कर लो इंटायर रो की बजाय इंटायर कॉलम बता दो, ओके कर दो तो कॉलम ऐड हो जाएगा। राइट बटन दबा के डिलीट कर लो इंटायर रो की बजाय इंटायर कॉलम बता दो तो डिलीट हो जाएगा। कॉलम के नाम पे ऊपर रख के राइट बटन दबा के इंसर्ट कर दो डायरेक्ट कॉलम ऐड हो जाएगा। कॉलम के नाम के ऊपर राइट बटन दबा के डिलीट कर दो कॉलम डिलीट हो जाएगा। इस तरह से रोज एंड कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट करते हैं यहाँ से ऑल बॉर्डर्स करते हैं, यहाँ से थिक बॉक्स बॉर्डर करते हैं, सेल स्टाइल्स में जाके इसको एक अच्छी कलर स्कीम लगा देते हैं, ग्रीन कलर की स्कीम यूज कर लेते हैं, फॉन्ट को इसको यहाँ पे व्हाइट कर लेते हैं हम यूज, ठीक है। और यहाँ से लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर देते हैं, अगर टॉप पे रखे टॉप पर, बॉटम पे रखना है तो बॉटम पे रख लें अपना डेटा, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इस डेटा को खाली सिलेक्ट करके सेंटर कर दें और उसको बॉटम पे रख लें। और ये तो ऑलरेडी बॉर्डर्स में है तो इनको स्ट्रिप्स बनानी है इनकी, तो इनकी स्ट्रिप्स हल्के हल्के से लगा दें, यहाँ से हल्का सा लाइट ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स बना दें। ठीक है, तो ये देखें आपकी जो शीट पहले कुछ डिफरेंट स्टाइल की ऐसे किस तरह की बनी हुई थी,
स्टाइल खत्म हो गया, ठीक है। तो जैसे भी बनी थी, स्ट्रेट बनी हुई थी, उसको हमने स्क्वीज करके थोड़ा सुकेड़ के और बेहतर तरीके से बना दिया, ताकि हमें जितना डेटा यहाँ रिक्वायर्ड है उतना डेटा हमें मिल जाए। और हमने सीखा कि किस तरह रो एंड कॉलम को इंसर्ट और डिलीट करते हैं, और हमने साथ साथ सीखा टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को कैसे सेट करते हैं, ठीक है।